हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स करीबन 9000 करोड़ प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। इसके अंदर करीबन 10000 करोड़ आकाशगंगाएं मौजूद हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 10000 करोड़ से लेकर 1,00,000 करोड़ तक तारे मौजूद हैं। हमने यह भी जाना कि हमारी धरती की ही तरह और भी प्लैनेट्स मौजूद हैं जिन्हें हम हैबिटेबल प्लैनेट कहते हैं, और ब्रह्मांड में खरबों की संख्या में हैबिटेबल प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिसका अर्थ यह निकल कर आता है कि ब्रह्मांड में और भी कहीं लाइफ मौजूद हो सकती है और इसके चांसेस बेहद अधिक है। लेकिन रुकिए, आखिर वे सब कहाँ हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड में कहीं वास्तव में स्टार वॉर्स चल रहा हो? क्या एलियन लाइफ सच में मौजूद है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो गाइज, मैं हूँ कौशिक और आप देख रहे हैं अंतरिक्ष टीवी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर ऐसा है कि दूसरे गैलेक्सियों में एलियन सिविलाइजेशन मौजूद है, फिर भी हम उन तक कभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारा लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी ही वह सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसकी मानवता कभी हिस्सा बन सकती है, और जो कोई भी हमारे लोकल ग्रुप से बाहर होगा वह हमारी पहुँच से पूरी तरह से परे होगा। ऐसा यूनिवर्स के एक्सपेंशन के कारण है। यहाँ तक कि अगर हमारे पास लाइट के स्पीड से चलने वाली स्पेसशिप्स मौजूद हों तो भी हमें हमारे नज़दीकी गैलेक्सी तक जाने में अरबों साल लग जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड फैल रहा है और वह गैलेक्सी भी हमसे तेजी से दूर जा रहा है। आइए यहाँ हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी पर ध्यान देते हैं। मिल्की वे हमारी होम गैलेक्सी है जो करीबन 1,00,000 प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। इसमें करीबन 4,00,000 करोड़ तारे मौजूद हैं, जिनमें से 2,000 करोड़ तारे हमारे सूर्य के आकार के हैं, और औसतन इनमें से हर 5वें सितारे के पास एक प्लैनेट हैबिटेबल जोन में मौजूद है। हैबिटेबल जोन वह एरिया होता है जो तारे से इतने डिस्टेंस में होता है कि उस जगह का तापमान ना तो अधिक गर्म होती है और ना ही अधिक ठंडी। अगर इन प्लैनेट्स के भी मात्र 0.1% प्लैनेट में ही जीवन मौजूद हो तो भी हमारी गैलेक्सी में करीब 10,00,000 ऐसे प्लैनेट्स मौजूद होंगे जिनमें जीवन फल फूल रही होगी। हमारा मिल्की वे गैलेक्सी 13 अरब साल पुराना है। शुरुआत के समय में इसमें जीवन के होने की संभावनाएं बेहद कम थी, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा गर्म थी और उस समय इसमें लगातार नए तारों का जन्म हो रहा था। करीबन 1 से 2 अरब साल के बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में नए नए हैबिटेबल प्लैनेट्स का जन्म हुआ।